हवा महल के भीतरी भाग में प्रवेश करने के लिए मगध सेना को ये तीन प्रमुख द्वार पार करने होंगे। द्वार क्रमांक एक, द्वार क्रमांक दो और सबसे प्रमुख ये तीसरा द्वार। और इससे पहले कि वो लोग इस तीसरे द्वार तक पहुंचे, हमारी सुरंग बन जानी चाहिए। आचार्य, आपके हिसाब से हमें ये सुरंग बनाने में कितना समय लगेगा? संभवतः 3 दिन। और ये 3 दिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि धनानंद और मगध की सेना हवा महल में प्रवेश ना कर पाए। ऐसा केवल तभी संभव होगा जब इन तीनों द्वारों की किलाबंदी सशक्त होगी। हमें सुनिश्चित करना होगा कि मगध के सैनिकों को हवा महल में प्रवेश करने के लिए परिश्रम करना पड़े, ताकि हमें सुरंग बनाने के लिए अधिक से अधिक समय मिल सके। आचार्य, हमें विभिन्न दलों में विभाजित होकर अपने अपने सुनिश्चित कार्य कर लेने चाहिए। चंद्रगुप्त, तुम और बलदेव प्रमुख द्वार की किलाबंदी करो। यदि ये दोनों मुख्य द्वार की किलाबंदी करेंगे तो मैं, इंद्र और कुछ क्षत्रिय सैनिक हम शेष 2 द्वारों की किलाबंदी करेंगे। मैं, आचार्य और स्थूल सुरंग की खुदाई आरंभ कर देते हैं। परंतु सेनापति मत्सल देव, आप धनानंद ने मेरा पैर अवश्य छीना है, किंतु वो मूर्ख मुझसे मेरा आत्मबल नहीं छीन पाया। और वो अमर आत्मा जो उसे परास्त करने के लिए मेरी भुजाओं को अतुल्य बल देती है, और मैं अकेला 10 लोगों से भी तीव्र खुदाई करने में सक्षम हूं। शत्रु हो खंड खंड, भारत खंड। महिम, विदेशद्रोही चाहे जितने प्रयास कर ले, पुल बस बनने वाला है। फिर लकड़ी के लट्ठे के सहायता से हम हवा महल के मुख्य द्वार को तोड़ देंगे। बस एक बार ये मुख्य द्वार टूटा, उसके बाद महल के शेष 2 द्वारों को तोड़ना हमारी सेना के लिए कठिन नहीं होगा, और उसके पश्चात विजय हमारी होगी, केवल और केवल मगध की। उत्तम, अति उत्तम। मिट्टी गीली, खुदाई के लिए यह स्थान उचित रहेगा, और शीघ्रातिशीघ्र एक ऐसी सुरंग बनाएंगे जो उस द्वार के उस ओर जाएगी और हमें सुरक्षित करेगी। शीघ्र शुरू करते हैं। शीघ्र करो, मगध सेना पुल बना चुकी होगी, हमारे पास अधिक समय नहीं है।